जब आप क्रिस्टल खरीदते हैं तो क्या ये थॉट आपके दिमाग में आता है कि इसको कैसे पहनना है? अगर आपने ब्रेसलेट लिया है मार्केट में से और अब आप सोच रहे हैं कि मुझे इसको कौन से हाथ में पहनना है, कब पहनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कॉल। मैं एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर और एक हीलर हूँ। और आज बात करने आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर उस इंसान के लिए हो सकती है जो क्रिस्टल्स को बहुत प्यार करते हैं। मैं बात कर रही हूँ ब्रेसलेट्स की, मैं बात कर रही हूँ रिंग्स की। आज के टाइम पे जहाँ पेंडेंट्स, रिंग्स, चेन्स, मालाज, ये सारे फॉर्म्स में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, बट वहीं पर एक दिमाग में थॉट आता है कि हम जब बैंड्स लेके आते हैं तो हमें इसे कौन से हाथ में पहनना है, लेफ्ट या राइट। तो ये बात थोड़ी समझने की है। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ को लेके आते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, हमारी लाइफ में क्लैरिटी आए, हमारी लाइफ के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसा मोटिवेशन आए कि हम रोज़ उठ के काम कर पाएँ, हम प्रोकेस्ट नहीं करें, हम लाइफ में आगे बढ़ें, हम ग्रोथ लेके आएं। तो जब हम किसी चीज़ का डिज़ायर करते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में आए, व्हेन वी रियली वांट टू रिसीव समथिंग, देन यू ऑलवेज हैव टू वेयर योर क्रिस्टल ऑन योर लेफ्ट हैंड। या फिर अगर आप स्विच कोर्ड्स की हेल्प ले रहे हैं तो स्विच कोर्ड्स भी आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे अपने लिखें। क्यों? बिकॉज लेफ्ट साइड इज द साइड ऑफ रिसीविंग एनर्जी। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं, लोगों के अपने बताने के, समझाने के तरीके हो सकते हैं, बट क्योंकि मेरी कोशिश रहती है चीज़ों को आसान करने की, तो इसको मैं इसीलिए आपको समझाऊंगी कि लेफ्ट बॉडी पार्ट इज वेयर यू रिसीव एनर्जी। तो जब भी आप लाइफ में कुछ लेके आना चाहते हैं तो आप ब्रेसलेट्स को या रिंग्स को पहनेंगे अपने लेफ्ट हाथ के अंदर। ठीक है, या स्विच कोर्ड्स अगर लिखते हैं तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखेंगे। बट वहीं पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग राइट हैंड में भी क्रिस्टल्स को पहनते हैं, तो डेफिनेटली यस, राइट हैंड में क्रिस्टल पहनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण है, व्हेन यू आर सेंडिंग एनर्जीज, अगर आप एक हीलर हैं और अगर आप किसी को एनर्जी हीलिंग भेजते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी आप उनकी एनर्जी को भी रिसीव कर लेते हैं या कैच करते हैं, या फिर आप उनकी एनर्जी को फील करना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए जनरली जो लोग पहनते हैं वो ऑब्सिडियन या ब्लैक टर्मेलिन या लावा या इस तरीके के क्रिस्टल्स को राइट हैंड में पहना जाता है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप डेफिनेटली राइट हैंड में क्रिस्टल को पहन सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं। बट वहीं पर अगर आप राइट हैंड से नहीं लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो ये केस टोटल चेंज हो जाता है। अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो रिसीविंग पोर्टल आपका हो गया राइट हैंड, तो आप तब राइट हैंड में पहनेंगे। तो ये सारा कॉन्शियस है इन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल्स को पहनने का। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग एंड आई रिकमेंड दैट। तो आप जब क्रिस्टल को पिक करें और अगर आपका पिक करने के बाद आपका मन कहता है, आपको आपकी इनर वॉइस कहती है कि इस क्रिस्टल को आपने राइट हैंड में पहनना है, तो आप प्लीज़ किसी से ना पूछें, अपनी आंखों को बंद करें, उस क्रिस्टल को चार्ज करें। चार्ज कैसे करना है ये वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं उसका थंबनेल, आप उसको सर्च कर लीजिएगा और उसको पहन लीजिए। किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ सबसे ज़्यादा तो मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, तो आप जिसको फॉलो करते हैं, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको अलाउ करती हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने इंट्यूशन को सुने और उस पे ही आगे काम करें। बट अगर आप बिगनर हैं और अगर आप अपने अभी फ़िलहाल गाइडेंस जोन में हैं तो लेफ्ट का कॉन्सेप्ट और राइट का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ क्लियर कर चुकी हूँ। सो आई होप ये वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, और अगर ऐसी ही कुछ और चीज़ें आप सीखना चाहते हैं या किसी टूल के बारे में आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको पढ़ के उस पर भी वीडियो, उस पर भी अपनी जो नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर करूंगी। या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, माई ई मेल आई डी इज़ connect@healingwithpriyacall.com। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने लाइफ में क्रिस्टल को लेके आए, चाहे वो बैंड के फॉर्म में हो, रिंग के फॉर्म में हो, माला हो या रॉ फॉर्म में हो,
और क्रिस्टल्स आपकी लाइफ में जादू कर सके। मैं डॉक्टर प्रिया कॉल अब आपसे अलविदा चाहूंगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।